नमस्कार मेरे एफएम के सभी क्रांतिकारी भाइयों मैं हूं आपका भाई राजेश कुमार हिसार हरियाणा से एफएम के सभी क्रांतिकारी भाइयों हमारे भाई राधे श्याम जी की आज चंडीगढ़ कोर्ट में डेट थी जिस पर कंटिन्यू एक महीने से हीरिंग चल रही थी आज हियरिंग पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है और जज साहब ने चौबीस तारीख के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है चौबीस तो तारीख को फाइनल डिसीजन हमारा आ जाएगा तब तक शांति व धैर्य बनाए रखें ओके थैंक यू राधे राधे दोस्तों मैं आपका दोस्त भूषण चौधरी जैसे आप जानते हो दोस्तों कि 4 सितंबर 2020 को आज राधे श्याम जी की बेल के ऊपर ऑर्डर होनी थी ये एप्लीकेशन मार्च महीने में लगी थी बीच में कोरोना आ गया इसकी वजह से दो दो महीने लेट चले गए पर जून महीने से और जुलाई और अगस्त में कंटिन्यू इसकी हिरिंग चली उस पर बहस हुई आर्गूमेंट्स हुए जितने डॉक्यूमेंट्स देने थे सारे दिए पर अब जो कि हमारी पहली इसी हाई कोर्ट में इसी कोर्ट में पहली बेल रिजेक्ट हुई थी उसका बैड इम्पैक्ट इस पे गिरा और आज की एप्लीकेशन एक्सेप्ट एक 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 नहीं हुई बेल एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई ये कोर्ट का एक प्रोसेस है जो लोग ये बोल रहे हैं बार बार कि ये आना नहीं चाहते तो इतनी बड़ी आर्ग्यूमेंट इतनी बड़ी प्रोसीडिंग कैसे की क्यों लगाई एप्लीकेशन एप्लीकेशन इसलिए लगाई नहीं कि हम कानून का साथ दे रहे हैं कानून के साथ में खड़े हैं हमारा विश्वास भी कानून के ऊपर है जितना आपका है उतना हम सबका भी है इसलिए बेल की एप्लीकेशन बार बार लगाई जा रही है हाँ दुर्भाग्य से आज वो एक्सेप्ट नहीं हुई तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि आज कानून की लड़ाई खत्म हो गई कानून की लड़ाई जारी है हाईकोर्ट से बेल रिजेक्ट हुई है हमारा न्यायपालिका पे न्याय देवता पे विश्वास है आगे एप्लीकेशन लगेगी और बहुत जल्द राधे श्याम जी को बेल मिलेगी और राधे श्याम जी बाहर आएंगे फिर से दोहरा रहा हूँ कि राधे श्याम जी बाहर आएंगे और हमारा पैसा सिर्फ और सिर्फ राधे श्याम जी ही दे सकते हैं राधे भाई ही दे सकते हैं जो लोग बाहर ग्रुपों में इतने चहल पहल कर रहे हैं ना आज गलत गलत बोल रहे हैं आपके वजह से तो ये सारी दिक्कतें खड़ी हुई हैं एक एफ आई आर की वजह से एक केस की के वजह से आज इतनी देरी लग रही है खुद को प्रूव करते करते और आप लोगों को और उकसा रहे हो कि एक जगह से अटके ना इनको सौ जगह पर अटका दो क्या होगा भाई राधे श्याम जी अंदर रहेंगे जैसे आपके डूबे वैसे हम सब के डूबेंगे अटक जाएंगे पैसे गवर्नमेंट पैसा अटका जाएगी आप यही चाहते हो ना यही चाहते हो तो यही सही पर हम जब तक विश्वास है हमारा कानून के ऊपर इस देवता पे इस न्यायपालिका पे हम न्याय के साथ में चलेंगे कोर्ट के साथ में चलेंगे और साबित करके बाहर आएंगे और आने के बाद में हर किसी का पैसा राधेश्याम जी जरूर देंगे जैसे आप गलत चीज़ों पे फोकस करके लोगों को उकसा रहे हो वैसे हम कुछ लोग राधेश्याम जी का उनकी न्यायालयीन प्रक्रिया में उनका साथ दे रहे हैं कि राधे भाई आप आगे बढ़िए न्यायालय में खुद को प्रूफ करिए प्रूफ करके बाहर आइए और हम सबका पैसा लौटाइए हम उस चीज़ में उनके साथ में हैं और आप इस चीज़ में साथ में हो कि लोगों को भड़काया जाए उनके माथे घर खराब किए जाए लोग उनको उनके डाउनलाइन आके घर पे जाके मारे इस तरीके से आप ग्रुपों में मैसेज डालोगे इस तरीके से आप ग्रुप में गलत गलत बोलोगे क्योंकि आपकी डाउनलाइन तो है ही नहीं जो लीडर्स की डाउनलाइन है जिनके नीचे डाउनलाइन लगी हुई है उनसे पूछो उनको कितनी तकलीफ होती है कितनी तकलीफ होती है उनको उनकी डाउनलाइन संभालते संभालते और आप मजे लेके चुटकारे लेके ग्रुप में गलत गलत चीजें लिख रहे हो ऐसे सबके लगे हैं हमारे भी लगे हैं फिर भी हम राधे भाई के साथ में खड़े हैं वो हमारा व्यक्तिगत निर्णय है फिर भी कुछ मैं गाली देता नहीं हूँ आपको पता है अच्छी तरीके से फिर भी कुछ लोग दलाल दल्ले गुर्गे अरे बेशर्मो थोड़ी शर्म करो तुमसे कई ऊंचा उहदा रखते हैं हम समाज में फिर भी हम सुन लेते हैं क्योंकि आपके जैसे गंदी जबान हमारी है नहीं तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हमारे पास में हैं रही बात आज की तो आज हाँ बेल एक्सेप्ट नहीं हुई है कल से एक नई शुरुआत के साथ एक नई पूरी यूनिटी के साथ में एक पूरी प्लानिंग के साथ में एक नई चीज़ में लगेंगे और ये जल्द राधे भाई आपके सामने लाकर खड़ा करके रखेंगे ये जिद नहीं ये प्रण है और ये शपथ है कि राधे भाई को आपके सामने लाकर खड़ा करके दिखाएंगे आप अपने जोर लगाना हम सच्चाई के साथ में कानून के साथ में न्याय देवता पर विश्वास करके हम वो जोर लगाएंगे कि कानून के साथ में रह राधे भाई को बाहर ला रखेंगे लाकर रहेंगे और आप यह जोर लगाना कि ग्रुपों में बस गंदी गंदी बातें करना चेचे करना टेटे करना गलत गलत बोलना गुर्गे बोलना यही आप करते रहना जब सुप्रीम कोर्ट में बेल लगी थी तब इंटरवेशन डालने वाले भी आप ही थे आप भी वैसे ही करोगे आप खुद ही उनको अंदर रखोगे और खुद ही चिल्लाओगे ग्रुपों में देखो आए क्या बाहर फिर भी हम कोशिश हमारी जारी है उन गरीबों के लिए जिन गरीबों की खून पसीने की कमाई इस कंपनी में है राधे भाई के पास में है उन गरीब लोगों के लिए हम राधे भाई के साथ में हैं और राधे भाई को निकाल के रहेंगे कानून की लड़ाई जारी है और हमारा न्याय देवता विश्वास है आज जो न्यायपालिका ने निर्णय दिया है वो हमें स्वीकार्य है राधे भाई को भी स्वीकार्य है न्याय देवता भी विश्वास रख के उनके न्याय का पालन करते हुए आदेश को मानते हुए हम आगे की लड़ाई कल से शुरू करते हैं और राधे भाई को बाहर ला रहेंगे जय हिंद राधे 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 दोस्तों मैं आपका दोस्त भूषण चौधरी जैसे आप जानते हो दोस्तों कि 4 सितंबर 2020 को आज राधे श्याम जी की बेल के ऊपर ऑर्डर होनी थी ये एप्लीकेशन मार्च महीने में लगी थी बीच में कोरोना आ गया इसकी वजह से दो दो महीने लेट चले गए पर जून महीने से और जुलाई और अगस्त में कंटिन्यू इसकी हरिंग चली उस पर बहस हुई आर्गूमेंट्स हुए जितने डॉक्यूमेंट्स देने थे सारे दिए पर अब जो कि हमारी पहली इसी हाई कोर्ट में इसी कोर्ट में पहली बेल रिजेक्ट हुई थी उसका बैड इम्पैक्ट इस पे गिरा और आज की एक, एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई बेल एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई ये कोर्ट का एक प्रोसेस है जो लोग ये बोल रहे हैं बार बार कि ये आना नहीं चाहते तो इतनी बड़ी आर्ग्यूमेंट इतनी बड़ी प्रोसीडिंग कैसे की क्यों लगाई एप्लीकेशन एप्लीकेशन इसलिए लगाई नहीं कि हम कानून का साथ दे रहे हैं कानून के साथ में खड़े हैं हमारा विश्वास भी कानून के ऊपर है जितना आपका है उतना हम सबका भी है इसलिए बेल की एप्लीकेशन बार बार लगाई जा रही है हाँ दुर्भाग्य से आज वो एक्सेप्ट नहीं हुई तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि आज कानून की लड़ाई खत्म हो गई कानून की लड़ाई जारी है हाईकोर्ट से बेल रिजेक्ट हुई है हमारा न्यायपालिका पे न्याय देवता पर विश्वास है आगे एप्लीकेशन लगेगी और बहुत जल्द राधे श्याम जी को बेल मिलेगी और राधे श्याम जी बाहर आएंगे। फिर इसे दोहरा रहा हूँ कि राधे श्याम जी बाहर आएंगे और हमारा पैसा सिर्फ और सिर्फ राधे श्याम जी ही दे सकते हैं राधे भाई ही दे सकते हैं जो लोग बाहर ग्रुपों में इतने चहल पहल कर रहे हैं ना आज गलत गलत बोल रहे हैं आपके वजह से तो ये सारी दिक्कतें खड़ी हुई हैं एक एफ की वजह से एक केस की के वजह से आज इतनी देरी लग रही है खुद को प्रूव करते करते और आप लोगों को और उकसा रहे हो कि एक जगह से अटके ना इनको सौ जगह पे अटका दो क्या होगा भाई राधे श्याम जी अंदर रहेंगे जैसे आपके डूबे वैसे हम सबके डूबेंगे अटक जाएंगे पैसे गवर्नमेंट पैसा अटका जाएगी आप यही चाहते हो ना यही चाहते हो तो यही सही पर हम जब तक विश्वास है हमारा कानून के ऊपर इस देवता पे इस न्यायपालिका पे हम न्याय के साथ में चलेंगे कोर्ट के साथ में चलेंगे और साबित करके बाहर आएंगे और आने के बाद में हर किसी का पैसा राधेश्याम जी जरूर देंगे जैसे आप गलत चीज़ों पे फोकस करके लोगों को उकसा रहे हो वैसे हम कुछ लोग राधेश्याम जी का उनकी न्यायालयीन प्रक्रिया में उनका साथ दे रहे हैं कि राधे भाई आप आगे बढ़िए न्यायालय में खुद को प्रूफ करिए प्रूव करके बाहर आइए और हम सबका पैसा लौटाइए हम उस चीज में उनके साथ में हैं और आप इस चीज में साथ में हो कि लोगों को भड़काया जाए उनके माथे घर खराब किए जाए लोग उनको उनके डाउनलाइन आके घर पे जाके मारे इस तरीके से आप ग्रुपों में मैसेज डालोगे इस तरीके से आप ग्रुपों में गलत गलत बोलोगे क्योंकि आपकी डाउनलाइन तो है ही नहीं जो लीडर्स की डाउनलाइन है जिनके नीचे डाउनलाइन लगी हुई है उनसे पूछो उनको कितनी तकलीफ होती है कितनी तकलीफ होती है उनको उनकी डाउनलाइन संभालते संभालते और आप मजे लेके चुटकारे लेके ग्रुपों में गलत गलत चीजें लिख रहे हो ऐसे सबके लगे हैं हमारे भी लगे हैं फिर भी हम राधे भाई के साथ में खड़े हैं वो हमारा व्यक्तिगत निर्णय है फिर भी कुछ मैं गाली देता नहीं हूं आपको पता अच्छी तरीके से फिर भी कुछ लोग दलाल दल्ले गुर्गे अरे बेशर्मो थोड़ी शर्म करो तुमसे कई ऊंचा उहदा रखते हैं हम समाज में फिर भी हम सुन लेते हैं क्योंकि आपके जैसे गंदी जबान हमारी है नहीं तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हमारे पास में हैं रही बात आज की तो आज हाँ बेल एक्सेप्ट नहीं हुई है कल से एक नई शुरुआत के साथ एक नई पूरी यूनिटी के साथ में एक पूरी प्लानिंग के साथ में एक नई चीज में लगेंगे और ये जल्द राधे भाई आपके सामने लाकर खड़ा करके रखेंगे ये जिद नहीं ये प्रण है और ये शपथ है कि राधे भाई को आपके सामने लाकर खड़ा करके दिखाएंगे आप अपने जोर लगाना हम सच्चाई के साथ में कानून के साथ में देवता पर विश्वास करके हम वो जोर लगाएंगे कि कानून के साथ में रहकर राधे भाई को बाहर ला रखेंगे लाकर रहेंगे और आप ये जोर लगाना कि ग्रुपों में बस गंदी गंदी बातें करना चेचे करना टेटे करना गलत गलत बोलना गुर्गे बोलना यही आप करते रहना जब सुप्रीम कोर्ट में बेल लगी थी तब इंटरवेशन डालने वाले भी आप ही थे आप भी वैसे ही करोगे आप खुद ही उनको अंदर रखोगे और खुद ही चिल्लाओगे ग्रुपों में देखो आए क्या बाहर फिर भी हम कोशिश हमारी जारी है उन गरीबों के लिए जिन गरीबों की खून पसीने की कमाई इस कंपनी में है राधे भाई के पास में है उन गरीब लोगों के लिए हम राधे भाई के साथ में हैं और राधे भाई को निकाल के रहेंगे कानून की लड़ाई जारी है और हमारा न्याय देवता भी विश्वास है आज जो न्यायपालिका ने निर्णय दिया है वो हमें स्वीकार्य है राधे भाई को भी स्वीकार्य है देवता भी विश्वास रख के उनके न्याय का पालन करते हुए आदेश को मानते हुए हम आगे की लड़ाई कल से शुरू करते हैं और राधे भाई को बाहर लाके रहेंगे जय हिंद राधे राधे बात ये नहीं है जयस भाई मैं ऑडियो नहीं देना चाह रहा था बात ये है ये ग्रुप में जितने भी हमारे बीस भाई एक्टिव हैं या हम लोग एक्टिव हैं या ये संगठन के हम दो चार भाई एक्टिव हैं या जो भी दस पंद्रह भाई एक्टिव हैं क्या हमारी वजह से राधे श्याम का बेल एप्लीकेशन ख़ारिज हो गया यह बात पूरे बीस दिन से और एक महीने से आठ दस डेट लगी और आठ दस डेट के बारे में हम ये बार बार बोल रहे हैं कि डेट खारिज हो जाएगी तो कोई विश्वास नहीं कर रहा जैस भाई हकीकत और सच्चाई से आप लोगों को भी हमने बयां कराई है मेन बीमारी और मेन जड़ कहाँ पे है और हकीकत हम लोगों के साथ बयां कर रहे हैं फिर भी लोग को विश्वास नहीं हो रहा आज भूषण भाई खुद ब खुद अपने मुँह से अपने ही मुँह से एक ग्रुप में दस पंद्रह बीस भाई जो एक्टिव हैं जो चर्चा कर रहे हैं जो वार्तालाप कर रहे हैं उन्हीं को ही दोष लगा रहा है भूषण भाई तो फिर क्या ये बंदे जो बोल रहे हैं जो ग्रुपों में मैसेज आदान प्रदान कर रहे हैं ये भी करना बंद कर दिया जाए यानी दो साल से जो ये खेल राधे श्याम का जो ये गेम प्लान चल रहा है वो ठीक चल रहा है और जो आप लोग चार पांच भाई ठेका लेके चला रहे हो वो भी आप ठीक चला रहे हो इधर किसी की माँ मर रही किसी का भाई मर रहा है किसी का बाप मर रहा किसी का कोई परेशानी किसी का कोई परेशानी किसी के पास ईएमआई भरने के पैसे नहीं किसी के पास ब्याज देने के पैसे नहीं और तुम पांच भाई दादागिरी के साथ ये ठेका बता रहे हो कि आप ही पांच-छह भाई राधे श्याम को बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रहे हो बाकी दुनिया के किसी भी लोग को ज़रूरत नहीं है राधे श्याम की भूषण भाई सच्चाई में दम है आप लोगों के और वास्तविकता है कि आप पांच-छह भाई जो दम लगाकर लड़ रहे हो ना सिर्फ़ तो सिर्फ़ लोगों को चूतिया और बेवकूफ़ बना रहे हो और हकीक़त जो गेम प्लान है जब तक निवेशक भाइयों को साथ नहीं लोगे और जब तक निवेशक भाई एक नहीं होंगे हर हाल में आप ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहोगे और सभी डिस्ट्रीब्यूटर दुखी भाई दुखी ही रहेंगे और यही होगा और यही होगा और यही कर रहे हो आप लोग और कुछ नहीं कर रहे हो आप